आदा, मेरा नाम नादिया फारूक है, मैं सप्तंगल की रहने वाली हूँ। हमारे ग्रुप का नाम सासू ससी है, हमारे क्लस्टर का नाम आराधना मेला सी एल एस सप्तंगल। सर, जब हमारी उम्मीद स्टार्ट हुई थी तो हमारे यहाँ पे बहुत सी बेरोजगारी थी और उनके पास खुद अपना रोज़गार कुछ नहीं था, लेकिन उम्मीद के आने के बाद 2014 में यहाँ पे उम्मीद स्टार्ट हुई। तो उम्मीद के आने पर के बाद औरतों ने अपने रोज़गार करना शुरू किया। जो उनके अंदर हुनर था हमने उन्हीं को बढ़ावा दिया, उनने अपने हुनर से जो जो वो काम कर सकती थी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया। जो हमारे यहाँ पे अभी आप देखें कि सो फैक्ट्री, हमने सो बनानी आपको दिखाई, यहाँ पे जो बाथरूम क्लीनर है, यहाँ डिश वॉश है, यहाँ हैंड वॉश है, जो हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमारे यहाँ ब्लॉक में 6 क्लस्टर पड़ते हैं। हर क्लस्टर से एक एक लेडी यहाँ पे आई है, हमने इनकी हेल्प की, यहाँ पे आई है और ये प्रोडक्ट आज ये बनाते हैं। ये यहाँ पे हमारे क्लस्टर में यहाँ कहीं पे भी जो विडो थी जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको उम्मीद से सहारा मिला। यहाँ पे आके उन्होंने अपना काम शुरू किया, अपने रोज़गार शुरू किए। आज उनके घर के हालात थोड़ा सुधर रहे हैं। उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी उम्मीद में आने के बाद, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और अपनी गरीबी से भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे बीपीएम विकास सिंह जी हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में या हमारे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हल करने के लिए हमारी मदद करते हैं। जहाँ पर हम उनको बुलाते हैं वहाँ पर वो आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमें ये काम करते हैं, इसमें हमने एक और मेंबर को जोड़ा है जो कि जेंट्स हैं, तो हम उनसे मार्केटिंग का काम भी करवाते हैं। जो हमें लेबलिंग वगैरह या मटेरियल लाने में प्रॉब्लम आती है वो हम उनसे करवाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेरोज़गारी दूर हो रही है। जो हमारे नौजवान थे जो बेकार रहते थे, उनकी माओं ने बहनों ने मिल के उनको रोज़गार खोल के दिए हैं। वो उनके साथ बैठ के अपनी बेरोज़गारी भी दूर कर रहे हैं और अपना घर के हालात भी सुधार रहे हैं। ये सब हमें उम्मीद की वजह से मिला है।